समाचार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड इस समय पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए है और इससे कोरोना कोविड 19 के चलते असमय अनगिनत लोग काल के गाल में पहुंच गए हैं और लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर प्रतिदिन विश्व का, देश का और जिला स्तर तक का हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। इस समय हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह का हेल्थ बुलेटिन लेकर हम आपके बीच में फिर हाजिर हैं। दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 159 प्रकरणों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो कि नेगेटिव आई है। एक सैंपल रिजेक्ट हुआ है। अभी तक जो जानकारी है वह 191 सैंपल भेजे गए थे, 191 सैंपल भेजे गए थे और जिसमें से 159 यानी 159 की जानकारी मिली है जो कि नेगेटिव है। इसी क्रम में टेली मेडिसिन के माध्यम से 921 लोगों को सलाह दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में 9 तथा अन्य शासकीय चिकित्सालय में 68 प्रकरण जो आए वह सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आए, उनको उनकी जांच की गई तथा उनका इलाज किया गया है। आइसोलेशन में 4 व्यक्तियों को रखा गया है। 34,630 व्यक्ति अभी तक बाहर से आए हैं जिनकी जांच की गई है। होम क्वारंटाइन में 6,250 को रखा गया है। वहीं 23,588 व्यक्ति अभी तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद स्वस्थ हुए हैं। 28 दिन वह होम क्वारंटाइन में रहे हैं। यह था दमोह का हेल्थ बुलेटिन। दमोह में अभी जो रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं उनके अनुसार एक भी मरीज कोरोना कोविड 19 का नहीं पाया गया है। देखते रहिए LNB TV, लगातार हम आपके बीच में आते हैं और दमोह के हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से दमोह की जो स्थिति है, जिले की स्थिति है, उसकी जानकारी हम देते रहते हैं। तो देखते रहिए LNB TV, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगाइए और इस कोरोना कोविड 19 को पराजित करने में अपना योगदान दीजिए।